हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी एंड मैंने शलवार कुर्ता पहन लिया बिकॉज आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे को अपन जो ईद मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, एक बजे नमाज है, एक बजे खुतबा स्टार्ट हो जाता है एंड 1:10 तक जमात जो है खड़ी हो जाती है। फिलहाल तो अपन जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं एंड लेट्स सी आज क्या होने वाला है। सो गाइस इन सर्दियों में चाय पीने का मजा ही अलग है बिकॉज चाय पीकर बॉडी जो है पूरी जो है वार्म हो जाती है एंड यहाँ पर टोस्ट से जो है अपन चाय पी लेते हैं। तो गाइस मैंने नमाज तो पढ़ ली थी और अभी बज रहा है 1:30। तो राहिल भाई की जो है स्कूल की छुट्टी हो गई है, सभी लाई गए नहीं है। वैसे तो सभी लाई लिए आते थे बट सभी लाई जो है स्कूल गए नहीं है, तो अभी हम लोग राहिल भाई को लेने आ रहे हैं। तो जल्दी से अपन राहिल भाई के स्कूल चलते हैं और जल्दी चलते हैं, टच के भी बहुत पढ़ना है भाई। तो गाइस राहिल भाई को तो स्कूल से पिक कर लिया, तब चलते हैं घर क्योंकि बहुत खतरनाक धूप लग रही है हम लोगों को। तो गाइस हम हमारे राहिल भाई को उनके स्कूल से तो ले आए थे एंड खाना पीना भी तो हो गया था एंड बाहर तो खतरनाक सर्दी है, तो इसलिए मैंने जो ये जैकेट पहन ली। और अभी हम जा रहे हैं मैं और नबील भाई नाना नानी के घर बिकॉज नाना नानी के घर रोज जाना पड़ता है, फिशेस को खाना देना पड़ता है एंड जरा उनके जो किराएदार हैं उनको भी जरा देखना पड़ता है। तो दो तीन चीज जो है हम नाना नानी के घर जाके कर लेते हैं एंड कल जरा स्पेशल डे भी और हम जरा जाएंगे अम्मा अब्बा के लिए केक वगैरह लेने बिकॉज उनकी जो है 10 को एनिवर्सरी। हालांकि ये व्लॉग जो है थोड़े टाइम बाद आएगा तो मेरे से खड़े हुए हैं, ये से खड़े हुए आ गए उसमें एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं। क्या हुआ, बोलो ना, कुछ बोलना है तो बोलो ना यार, कुछ बोलना हो तो बोलो ना। मेरा ज्ञान बहुत फैलते हैं, हम बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं भाई, हमसे ज्यादा हमसे ज्ञान लिया करो तुम। ये बोलते हैं कि इनको कितनी फॉर्च्यूनर कितनी लेना, तुम्हें 10 फॉर्च्यूनर लेंगे, 10 फॉर्च्यूनर। ये तो बता 10 फॉर्च्यूनर कब लोगे हैं, जल्दी बता भाई। 35 में, अरे बहुत टाइम है यार, दो हैं जब तुम 35 साल के होगे। इनको पार्षद बनना, पार्षद क्या बन जाओगे सारा, इनसे बोल दो भैया पार्षद बना दिएगा। गाइस हमारा भाई जो है चुनाव में खड़ा होगा तो आप इन लोगों को पहली गाड़ी 20 लाख की, पहली गाड़ी की 20 लाख की लेगा वो और पार्षद बनेगा, उसको पार्षद बनवा दिएगा। मोनू से भी महंगी बाइक लेंगे, वो सॉरी कार लेंगे, कार लेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारे नाना नानी के घर पे एंड यहाँ पर रोज का हमारा जो डेली का काम है वो है मछलियों को खाना डालना। नहीं 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 नहीं, ये रोज का काम नहीं है, रोज का काम तो है बट हमें यहाँ पर रोज इसलिए भी आना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को आसपास वाले लोगों को बताना पड़ता है कि नाना नानी अकेले नहीं है, नाना नानी के माशाल्लाह जवान नवासे हैं और वो यहाँ आके उनकी टेक केयर करते हैं बिकॉज यू नो यहाँ पर सब लोग किराएदार रहते हैं तो यू नो, और नाना नानी जो जरा ओल्ड हैं तो इसलिए थोड़ा सा जवान बच्चों का आना जाना अच्छा रहता है। और नबील भाई ने ये अभी कुछ टाइम पहले ही एक्वेरियम का पानी जो है साफ करा था और यहाँ पर ये देखिए आप कैसा, मतलब धुंधला धुंधला सा अजीब सा हरा सा लग रहा है, पता नहीं क्या मामला है ये सब। इसके अंदर तो फिल्टर दो दो लगा दें अपन, दो दो फिल्टर, पानी हरा हो ही जाता है। ये देखिए गाइज अगर आप कोई एक्सपर्ट हैं तो आप कुछ कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, वो हम लोग ट्राई कर लेंगे। तो गाइज कल जो है हमारे अम्मा अब्बा की जो है एनिवर्सरी है तो हम लोग यहाँ पर केक वगैरह लेने आए और यहाँ पर हमने ये केक ले लिया है और इस पे हैप्पी एनिवर्सरी के स्टिकर लगवा दिया है ये रहा एंड यहाँ पर हम जो है महाराजा और महारानी के वो ले रहे हैं। तो ये पापा के लिए है और ये अम्मा के लिए हो जाएगा जी। हाँ यार ये केक भी तो अच्छे लग रहा है भाई, वो पैक एक सेकंड पैक मत करना। तो गाइज हमने केक चेंज करवा लिया, हमने डबल अलग जो है केक ले लिया है और इस पे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है पिंक कलर में, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो गाइज सारा सामान लेके अभी मैं आ चुका हूँ मोनू के घर और यहाँ पर अब जो है हैप्पी एनिवर्सरी का जो है रिबन से इसको सही कर रहा है। कहाँ यार, चॉकलेट फ्रिज में रखवा दो, काम करो काम, वेरी गुड। तो गाइज हमने अम्मा अब्बा को जो है अंदर भेज दिया और यहाँ पर हमने यहाँ पर ये चिपका भी दिया हैप्पी एनिवर्सरी और यहाँ पर ये केक भी रेडी है। तो जल्दी से बस 12, अबे 12 तो बज ही गया, अबे कीमती चला ब्लैक पेन चलो भाई 12 बज गया। हाँ ये गुलदस्ता, चलो आ जाइए, 2-3 हैप्पी एनिवर्सरी अम्मा अब्बा, आर वर किंग एंड क्वीन, पेशकश है आपके लिए, आइए आइए। लो, अरे आप पापा पहनी है ना, हाँ इन्हें रखना है थोड़ी देर के लिए। शुक्रिया, ये बीच में अंडा का
बच्चा है। अरे अरे माशाल्लाह केक तो बड़ा खूबसूरत लाए। चलिए जलाइए, अभी तो देखना बाबू थोड़ा रायल दूर बम पटाखा चल जाता है। मोनू के में ऐसी तो वो फटी गया था वो। देखा, चलो काट लो ना, के वो कहां गई? ये लो चाकू। चलो बाबा हम जल जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, एनिवर्सरी। क्या बात है, अरे साला मेरा बाल जलाएगी, तेरा साला मेरा बाल जलाएगी। अरे बड़ा लंबा चल रहा है, अरे काट दे इसका। अच्छे से हाथ पे खिलाना, खिलाना अम्मा एक बार और, दोबारा खिला दो पापा, एक बार और खिला दो। क्या हुआ गाइस, राहिल कुछ बोल रहे थे अम्मा से। हाँ? क्या मैं अम्मा के लिए 100 रुपए का गिफ्ट लाया हूँ। कितने रुपए का? 100। तो प्राइस बताने की जरूरत है कि 100 रुपए का गिफ्ट लाए हो? अरे नहीं यार, वाह यार, 100 रुपए की डेयरी मिल्क लाया है। नहीं यार, 100 रुपए की नहीं, बहुत ज्यादा है। तो गाइज, अम्मा अब्बा की जो एनिवर्सरी थी वो हमने सेलिब्रेट कर ली थी, देन हम लोग सो गए थे। बट अब जो है नेक्स्ट डे आ चुका है, और नेक्स्ट डे जो है मैं व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो अब हम अगले दिन पे आ गए। बाकी फिलहाल हमारा प्लान बन रहा है अभी रंगला जाने का वापस से, मेरी और मुनू भाई की फैमिली, और यहाँ पर ये फिर आ गए। क्या है भाई, तुम क्या सुनते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? तो ऐसे कूद काद के आ रहा है तो गाइस फिलहाल तो हम रहा भाई। आपका वैलेंटाइन डे गिफ्ट पहले मिल गया ना आपको? बहुत शुक्रिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। कौन सी गर्लफ्रेंड ने दिया है? मेरा सानिया नहीं, चौथी वाली ने दिया है ना। हाँ हाँ, पांचवी छठवी वाले तुम लोग भी दे देना है ली है ना। फिलहाल तो बता रहा है, तो क्या होगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना, अपनी चार अलाउड है। फिलहाल तो अपन चलते हैं रंगला। तो गाइस अभी हम लोग आए रंगला पंजाब पे, और अभी रंगला पंजाब आए। रात के कितने बजे रहे? 12:30 बज रहे। वाह वाह, क्या है भैया क्या। तो गाइज हम लोग अभी रंगला पंजाब पे हमारी फैमिली के साथ, एंड जो फैमिली के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर सब लड़के भी आते हैं, तो उन लोगों ने थोड़ी सी एक जगह दे के रखी, तो यहाँ पर आप कार में आके अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, एंड अगर उनसे आप बोल देंगे तो वो यहाँ पर चेयर वगैरह भी फैसिलिटी लगवा के दे देते हैं। क्या कौन सा गाना भाई, क्या बोलते रहते हो यार, क्या हुआ? हेलो गाइस, अरे हाइनेक हाइनेक दिखाओ तो यार, स्मार्ट बॉय। अरे वो भाई बचपन से स्मार्ट है यार वो यार, और एक ये वाला लड़का है भाई, अपने भाई को देखो। क्या, अरे टेबल पे तो दो ही चेयर लगी, दो ही चेयर है भाई, वो पूरी चेयर तो आन दो कुत्ते बस। तो गाइज हम लोगों ने खाना पीना तो खा लिया था, एंड अब हम लोग निकल रहे हैं, और अभी भी देखिए 1:30 बज रहा है, फिर भी लोग आते जा रहे हैं एंड भीड़ बढ़ती जा रही है, लाइक कम नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है। तो हम लोग तो अब चलते हैं, हमारा खाना पीना हो गया। ये देखिए आप इसको, यहाँ पर हम सब भाई लोग हो गए। क्या, यू आर नॉट किंग ब्रो, यू कैन नॉट बी किंग एवर, जस्ट लुक एट हिज प्रिटी फेस, कैन ही बी अ किंग? आई डोंट थिंक सो। तो गाइज हम लोग घर तो पहुंच गए हैं, और यहाँ पर गाड़ी भी जो है हमने पार्किंग पे लगा दी, अब चलते हैं घर, बिकॉज रात बहुत हो चुकी है, अब सोएंगे घर पे आके। तो गाइज रंगला से तो वापस आ गए थे, और अब हो चुके हैं लेट नाइट, और सर्दी भी लग रही है, तो फिलहाल तो हम लोग जाएंगे बिस्तर पे दब जाएंगे, बिकॉज नींद भी आ रही है। तो यार गाइज ये था आज के व्लॉग में, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, 1 लाइक फॉर अंजर्स दात। यही था आज के व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ कर दें, बाय बाय।